चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैं डॉक्टर के सी सिन्हा एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसके पहले 3 तक हम लोग सारे प्रश्न का सोल्यूशन कर लिए हैं। अगर जो उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे तो उन सारे वीडियो के लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न को एक बार सही से पढ़िए उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो पूरा कोण ए और बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे साइन क्वेश्चन नंबर 1 में है, 4 का 1 में है साइन ए बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे वैल्यू हमारा जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से ज्ञात करना है साइन ए। क्या ज्ञात करना है? साइन ए। देखिए ए का मान ज्ञात करना है ना, तो ए को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और बी को उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस में ये हो जाएगा बी। बी को हम लोग इधर प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। अब देखिए हमको साइन में वैल्यू निकालना है, तो दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। क्या ले लेना है? साइन। जिसका वैल्यू निकालना रहेगा वो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं साइन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर, या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू, सिर्फ साइन लेना है तो साइन ले लेंगे। तो ए तो इधर है ही तो साइन ए हो जाएगा। इधर में भी ले लेते हैं साइन, और ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा बी। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन ए रहने देते हैं और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे अभी क्या है? बी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, सॉरी साइन नहीं यहाँ लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस बी हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल कर आया, साइन ए का वैल्यू निकल कर आया, वो आया क्या? कॉस बी। यह आपका जो हो गया आंसर हो गया, समझ गया ना। देखिए किस तरह से किए हैं, यहाँ पे हमको साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो जो वैल्यू दिया हुआ था उसको हम लिख लिए थे और जिसका मान निकालना है, जैसे साइन ए अब रहता है यहाँ पे साइन बी, तो हम बी को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और ए को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो हमको निकालना है साइन ए का, तो ए को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लिए हैं और बी को राइट हैंड साइड में भेज दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 90 डिग्री माइनस बी हो गया, है ना। अब देखिए दोनों पर हमको निकालना है साइन में वैल्यू, तो दोनों पक्षों में साइन ले लिए यहाँ पे। इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में लिए। जब भी लेना लिया जाता है तो दोनों पक्षों में लिया जाता है, जो कुछ भी लेते हैं तो दोनों पक्षों में लेते हैं। तो साइन ए हो गया और यहाँ पे साइन यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग कॉस थीटा। क्या पढ़े थे? कॉस थीटा पढ़े थे। तो देखिए थीटा की जगह पे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी तो बी हो जाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं साइन ए बराबर कॉस बी, इसलिए हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस बी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 का 2 में बिल्कुल उसी तरह से वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, बिल्कुल उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे। ए प्लस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए बी में वैल्यू निकालना, तो बी को इधर में रख लेंगे और ए को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा हमारा ए, है ना। अब देखिए कॉस में निकालना है, तो दोनों पक्षों में ले लेंगे कॉस। लिख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस बी और बराबर में हो जाएगा, इधर में भी ले लेते हैं कॉस, इधर में हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? कॉस बी बराबर, देखिए अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, याद रखिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या हो गया? बी हो गया है, यहाँ 90 डिग्री ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना हमारा साइन
ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए। इसलिए यहाँ पे हमारा जो उत्तर आया यहाँ पे कॉस बी का जो वैल्यू आया कॉस बी बराबर हमारा हो गया साइन ए हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए सेक ए का वैल्यू निकालना है, हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। अब ए में वैल्यू निकालना है तो ए को इस साइड ही रखेंगे और बी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे 90 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा बी, है ना। अब देखिए ए को निकालना है ना, अभी हमारा क्या है सेक है तो सेक दोनों पक्ष में ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए बराबर हो जाएगा, इधर में भी ले लेते हैं सेक, और ये हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री और माइनस में बी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा निकालना है यहाँ पे सेक ए बराबर, अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे बी है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉसेक, थीटा की जगह पे बी है तो कॉसेक बी हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया है सेक ए का जो वैल्यू आया है हो जाएगा हमारा कॉसेक बी, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। देखिए यहाँ भी वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे टेन बी का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले तो लिखते हैं सॉल्यूशन, वैल्यू हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे बी में वैल्यू निकालना तो बी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, ए को हम लोग राइट हैंड साइड में भी देंगे, बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा हमारा ए, है ना। देखिए अब यहाँ पे टेन में वैल्यू निकालना है तो टेन को हम लोग इसी साइड रखेंगे टेन, और b हो जाएगा और इक्वल टू यहां भी ले लेते हैं tan, दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं क्योंकि tan में हमको निकालना है तो tan दोनों पक्षों में ले लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा a। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं cot थीटा, क्या पढ़े हैं cot थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan b बराबर हो जाएगा क्या cot, अब थीटा की जगह पे a है तो a हो जाएगा cot a, अब यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए लिख सकते हैं tan b इक्वल टू हो जाएगा cot a, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, cosec b बराबर निकालना, तो इसको लिख लीजिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, है ना। यहाँ से हमारा क्या किसमें वैल्यू निकालना बी में, तो बी को हम लोग इस साइड रख लेंगे और इक्वल टू 90 डिग्री, और ए को इस साइड भेज देंगे माइनस ए। अब यहाँ से हम लोग दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे कॉसेक, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉसेक, और यहाँ बी तो हमारा दिया हुआ था तो बी हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड भी ले लेते हैं कॉसेक, क्या लेना है कॉसेक सी ओ एस ई सी कॉसेक, और यहाँ हमारा वैल्यू है 90 डिग्री और माइनस में ए, है ना। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कॉसेक बी बराबर यहाँ सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा, तो सेक लिख लेते हैं और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है थीटा की जगह पे हमारा क्या है इसको इरेज कर देते हैं, ये गलत है ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे ए है तो ए हो जाएगा, इसलिए हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा कॉसेक थीटा, यानी कि बी बराबर कॉसेक बी बराबर सेक ए आएगा, ये आपका हो गया आंसर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 में कॉट ए का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, वैल्यू हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ए में मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे सबसे पहले ए को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और राइट हैंड साइड में बी को भेज देते हैं 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बी। अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकलेगा कॉट में हम लोग को निकालना, तो यहाँ पे कॉट दोनों पक्षों में ले लेंगे, तो कॉट ले लिया ए का वैल्यू, इधर में दिया हुआ ए इक्वल टू इधर भी कॉट ले लेते हैं तो कॉट हो जाएगा, और इधर वैल्यू हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री और माइनस में बी दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉट कॉट हो जाएगा ए
और बराबर में हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन और थीटा की जगह क्या है बी है तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो इसलिए यहां से वैल्यू हमारा निकलेगा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा टेन बी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, और भी प्रश्न है? अब नहीं है, चार के टोटल प्रश्न का सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये सिकंदर स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर जो कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुआ तो एक कमेंट कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में, और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पर लगातार आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।